कि आपने जीवन के बहुत सारे अच्छे समय जो है इस, सत्येंद्र जैन के मैं हेल्थ एडवाइजर भी एज ए हम्बल सोल्जर तो हमें नहीं पता था कि बैकग्राउंड में सब कुछ इतना चल रहा है आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा था तो आपको कब ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि आदमी धोखेबाज है दिस वॉज इन ट्वेंटी फिफ्टीन राइट उसके बाद जब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की मुद्दा उठे तो मैं अरविंद के पास गया मैंने बोला, मैंने कि, आप चंदा की पारदर्शिता से समझौता कभी आपने अरविंद केजरीवाल को पार्टी मीटिंग के अंदर नीतियों के ऊपर वैचारिक विमर्श करते हुए देखा नहीं देश के काफी लोग सिर्फ अरविंद के नाम पर नहीं आए थे उनको लगा शायद ये संवाहक है इस बदलाव का Than, वो आए थे बदलाव अरविंद टिपिकली जैसा मैंने उनको शुरू से देखा वो एक शोट टेम्पर्ड व्यक्ति मीटिंग्स में सुना कि वो गाली गलौज भी करते हैं लोगों को काफी जल्दी अपना एंगल लूज करते हैं सुनने का उनको आदि नहीं है इज नॉट यूज टू लिस्निंग एनिफोट कहा से कहा ये गिर गया कहाँ निकला ये खालिस्तानियों के साथ रिश्ता झूठ वालों के साथ रिश्ता हर डिपार्टमेंट में घोटाला नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरी तरीके से फंस गए क्या विडंबना है और ऊपर वाले का खेल भी बड़ा अजीब है एक शख्स जो पूरे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन को लीड कर रहा था वो और उसके तमाम चट्टे बट्टे भ्रष्टाचार के केस में ही पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं अब आंदोलन तो पाक साफ था कई ईमानदार लोग इस आंदोलन में शामिल हुए एक एक करके तमाम अच्छे लोगों को केजरीवाल ने अपनी पार्टी से बाहर किया धोखेबाज निकला धोखा हुआ और अभी जो खालिस्तानियों के साथ उसके रिश्ते निकले तो कई सारे लोगों का दर्द जो है वो छलक पड़ा है कि कहां से हमने शुरुआत की और कहां पहुंच गए कई सारे लोग जो विदेश में वेल सेटल्ड अपना प्रोफेशन चला रहे थे देश के प्रेम में कि हिंदुस्तान में अच्छा सिस्टम बने अच्छी नीतियां बने हिंदुस्तान जो है विकसित हो इस चक्कर में केजरीवाल के झांसे में आ गए और कई सारे लोगों ने अपने करियर को छोड़ के आम आदमी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया ऐसे ही एक शख्स है डॉक्टर राय रायजादा ये शिकागो में बच्चों के डॉक्टर हैं और आज हमारे साथ हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने तो बहुत जमा जमाया करियर इस केजरीवाल के चक्कर में आप कहे कि आपने जीवन के बहुत सारे अच्छे समय जो है जो कुछ बढ़िया काम हो सकता था इस इसके धोखे में आप आ गए आपको ऐसा लगता है देखिए हम व्यवस्था परिवर्तन जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ हाँ। तो जन लोकपाल बिल की डिमांड उठी तो लगा कि ठीक है एंटी करप्शन एक बिल अच्छा आएगा लेजिस्लेशन और देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी मैं 2002 में यूएसए गया था और ये 2010 की बात है तो तब तक सेटल हो चुके थे अपनी ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी थी आई वाज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मैं न्यू एनेटल मेडिसिन में डॉक्टर हूँ न्यू बॉर्न बेबीज़ की आईसीयू में न्यू एनेट्रल आई में केयर करता हूँ तो लगा कि चलो कुछ किया जाए देश के लिए अच्छा क्योंकि अल्टीमेटली हर एनआरआई की एक एक चाहत होती एक है, है, अच्छा है, है। exactly. right. तो परिवर्तन आएगा जो तीन सिद्धांत अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने रखे तो क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हुए लगता था कि जो अपने देश की डेमोक्रेसी में खामी हैं वो इनके सोल्यूशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं क्या क्या तीन पिलर्स थे नंबर वन की हम चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। क्या <laughs> ये, <laughs> ये, क्या जोक चंदा, में हम थे। <laughs> अब जब मैं चंदा की बात करता तो लोग चंदा कोचर का फोटो लगा देते थे <laughs> सोशल मीडिया चंदा मिल गया प्लीज स्टॉप आस्किंग फॉर चंदा राइट right. चंदा की जो पारदर्शिता फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी वाज इंटीग्रल कंपोनेंट जिससे मुझे लगा कि हाँ चलो देश की राजनीति सुधरेगी उसके अलावा इंटरनल विजिलेंस आंतरिक लोकपाल लेके आएंगे अपनी पार्टी के लिए और हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल्ट, हाई कमांड कल्चर तो लगा कि चलो देश सुधारने में मौका दिया जाए ठीक है ना अल्टीमेटली आप एक एक जीवन होता है जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम आए हमने एनआरआई के नाते भी काम किया ग्राउंड पे भी काम किया मैंने काफी ढंग से मैंने पार्टी में काम किया चंडीगढ़ में मैं गुल का कैंपेन मैनेजर भी रहा एन आर आई सैल का को कन्वीनर भी था सत्येंद्र जैन के मैं हेल्थ एडवाइजर भी था ठीक है काफ़ी भूमिकाओं में मैंने रोल प्ले किया एज ए हम्बल सोल्जर लेकिन जब ये सब हुआ तो हमें नहीं पता था कि बैकग्राउंड में सब कुछ इतना चल रहा है आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा था एक द्वेष सपन जो लगता है कि कितना बड़ा आपके मतलब अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखा रहा था और बैकग्राउंड में अपने सारे कुकर्म को जो है अपने चट्टे बट्टों के साथ वो उसको अंजाम दे रहा था एग्जैक्टली exactly. जैसे ही आपको मैंडेट मिला आप कहते हैं मैं जितेंद्र तोमर की वो के वो डिग्री के वो खुद ठेकेदार बन गए कि नहीं मैं बताता हूँ मैं सत्यापित करूंगा आप कौन है सत्यापित करने वाले एक मॉरेलीटी होती है पॉलिटिक्स में एक एक एथिक एथिक्स होता है आप कहिए कि ठीक है भाई इस्तीफा दीजिए जब होगा तो देखा जाएगा बट मैं एक्चुअली क्या था कि क्योंकि हम सिद्धांतों के लिए आए थे तो हम सिद्धांतों पर अड़ गए तो आपको कब ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि आदमी धोखेबाज है दिस वॉज इन ट्वेंटी राइट उसके बाद जब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की मुद्दा उठे तो मैं अरविंद के पास गया कई बार मैंने उन्हें कई बार बोला मैंने कहा कि आप चंदा की पारदर्शिता से समझौता मत कीजिए उस वक्त सत्ता में थे कौन सुनता आपकी बात क्यों सुनना चाहेंगे जबकि मैं सचिवालय में था मैं सत्येंद्र जैन जी के साथ भी था एडवाइजर भी था सचिवालय में मैं भी पूरी यू नो मैं आता जाता था कभी मनीष के पास कभी अरविंद के पास कभी वो ऊपर आते थे जैसे मनीष लेकिन तब मैं वहाँ पे आई फेल्ट डिसिल्यूजन फिर मैंने विरोध किया हम अन्ना जी के पास गए वापस हमने अन्ना जी को समझाया हम कुछ एक्टिविस्ट अन्ना आंदोलन के हम अन्ना जी के पास गए हमने उनको पूरा समझाया उन्होंने एक चिट्ठी रिलीज की कि कुछ एनआर आई आए हुए हैं मुनीष राजा तो उसमें है उसके बाद हमने चंदा बंद सत्याग्रह शुरू किया 2016 में नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन यानी कि चंदा नहीं देंगे आप तो जनता से अपील की कि आप पार्टी को डोनेशन मत दीजिए नो लिस्ट लिस्ट नहीं दिखाएंगे तो चंदा मत दीजिए उसके बाद फिर हमने उसको काफ़ी पंजाब में भी जाके विरोध किया इसका उसके बाद दो हजार उन्नीस में मैंने एक वेब सीरीज बनाई ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता जो इस वक्त यूट्यूब पे है उसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अन्न आंदोलन एंड आम आदमी पार्टी अच्छा सुनिए कुछ उसमें तो हमने देखा कि ये बहुत ही इमोशनल वीडियोस जो उस दौरान बनाता था तो ये लोग पीछे बैकग्राउंड में हंसते थे मजाक उड़ाते थे, थे कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाना है कभी आपने अरविंद केजरीवाल को पार्टी मीटिंग के अंदर नीतियों के ऊपर वैचारिक विमर्श करते हुए देखा नहीं देखिए मैं दो तीन बातें बताना चाहूंगा यहां पे पहली बात तो हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी देश के काफी लोग सिर्फ अरविंद के नाम पे नहीं आए थे उनको लगा शायद ये संवाहक है इस बदलाव का नोट मोद वो आए थे बदलाव के लिए अरविंद टिपिकली जैसा मैंने उनको शुरू से देखा वो एक शोर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है ज्यादा उनकी अगेन मैं पर्सनल उस नहीं जाना चाहता बट टिपिकली उनका फोकस, नहीं नहीं पर्सनल की बात नहीं, वो कोई, कोई, नहीं कोई लीडर है उसके, आ, करते हैं काफी जल्दी अपना एंगल करते हैं सुनने का उनको वाद नहीं है इज नॉट यूज टू लिसनिंग एनीथिंग एंड उसके अलावा वेब सीरीज में मैंने साइको एनालिसिस भी किया राइट काफी लोगों से मिला ट्रेजेक्ट्री हम लेके पैदा होने से लेके शुरू तक किया साइकोलॉजिस्ट से भी बात किया हमने पौंडीचेरे में जाके एंड पूरा समझने की कोशिश की क्या बताया उन लोगों ने एक एक बात निकल के आती है पर्सनालिटी पर्सनैलिटी वो निकल के आती है आत्मकामी तो तो आत्मकामी ये मैं आठ आठ साल पहले हमने एक अखबार में आर्टिकल लिखा था कि किस तरह का नार्सिसिस्ट जो है ये अरविंद केजरीवाल है आपने बिल्कुल याद दिला दिया खैर अब मुझे बताइए कि आप वापस इंडिया आ गए और मैं आपको बताऊं, बहुत पीड़ा है लोगों के दिल में कि हमने क्या सोचा था अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते वक्त कहाँ से कहाँ ये गिर गया कहाँ निकला ये खालिस्तानियों के साथ रिश्ता झूठ वालों के साथ रिश्ता हर डिपार्टमेंट में घोटाला और बेशर्मी की इंतहा देखिए अच्छा ये बताइए जब आपने सुना कि भाई जेल चला जाएगा केजरीवाल और जेल से ही हम चलाएंगे सरकार क्या लगा आपको तो उस वक्त अब तक हम भारतीय लिबरल पार्टी अनाउंस कर चुके थे मैं अब सब छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आ चुका हूँ एंड हम लोग 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा टू प्री एम्प्ट दिस परसेप्शन कि हम खुद बनने आए हैं कुछ और उसके अलावा जो बात में कह रहा था अधूरी बात बहुत लोगों को पीड़ा हुई है और जो अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथी थे जिनको लगता है कि अभी भी बदलाव किया जा सकता है डॉक्टर रायजादा उन्हीं की अगुवाई कर रहे हैं इन लोगों ने मिलकर एक नया फ्रंट तैयार किया है एम आर जी भारतीय लिबरल पार्टी अब ये बताइए कहीं फिर से धोखा तो नहीं हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. ये ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई कोई भी पूछेगा आप अरविंद केजरीवाल का नाम लेते ही क्या आप उनके साथ थे लोग बोलेंगे भाई ये तो आदमी धोखेबाज है पता नहीं उसके साथ वाले भी यही धोखा करें जी। क्या करने जा रहे हैं आप लोग जी तो हम लोगों ने वापस आके व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया मैंने यूएसए में अपना अब छोड़ दिया है पांच महीने से मैं भारत में हूं हमने भारतीय लिबरल पार्टी एक बनाई है जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राइट right. भारतीय लिबरल पार्टी और इसके माध्यम से ताकि वो गलतियां न हों तो दो चीजें हमने बड़ी मजबूती से रखी है जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेगी और कैंडिडेट सिलेक्शन ध्यान दीजिए अरविंद कहते थे हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे करेंगे हम हम प्राइमरीज के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन और हम उस बात को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते थे कि देखो तो यूएसए में तो प्राइमरीज के माध्यम से जनता चुनती है कैंडिडेट उसको आगे रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी टिकट सारे पार्टी में वहां वही वो ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो जी तो इसमें क्या कि जो लोकनायक जयप्रकाश की एक परिकल्पना है कि लोक उम्मीदवार वो कहते हैं जनता अपना कैंडिडेट चुने और उसके बाद उसको पार्टी टिकट दे उस स्पिरिट को हम लेके आएंगे हम इसमें जनता से गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को प्राइमरी इलेक्शन जिसको मैंने सोशल इलेक्शन कहा है सामाजिक चुनाव जिसमें जनता चुने की कैंडिडेट्स उसके बाद उनको जब विधानसभा के चुनाव अनाउंस होंगे दो में उसमें उन पार्टीज को हम एम का टिकट देंगे और हम लोग मिलकर जनता मिलकर अपने चुने हुए एम एल अंकुश रखें कि उनसे काम करवाएंगे ये अन्ना हजारे भी बहुत बार कह चुके हैं जी कि अगर आपको आंदोलन के जरिए राजनीति में ही इन्फ्लुएंस करना है लेट पीपल डिसाइड देयर ओन कैंडिडेट मनीष जी साथ ही साथ आज 25 मार्च है पच्चीस छब्बीस मार्च बाईस फरवरी को मैं अन्ना जी से मिल के आया अच्छा इसी 22 फरवरी को यानी कि लगभग एक महीना पहले हमने अन्ना जी को एक ज्ञापन दिया कि दिल्ली में शराब घोटाला और उसके अलावा पूरी दुर्व्यवस्था है कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है दूषित प्रदूषित हमें हवा सूंघने को मिलती है सिटीजन्स वहाँ पर फोर्स दे आर फोर्स टू लिव इन दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक गैस एनवायरमेंट गैस चैम्बर यमुना लगभग मृत पड़ी है और उसके अलावा जो भी वहाँ पे कट एंड करप्शन का जाल बिछा हुआ है तो अन्ना जी ने हमारी बात धैर्य से सुनी उनको हमने लोक उम्मीदवार का भी अपना कॉन्सेप्ट रखा और उन्होंने उसको बड़ी तत्परता से सुना अन्ना जी स्वयं दुखी हैं वहाँ पर और हम इस बात इस वक्त ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस तो जो आपका क्वेश्चन है कि हम नहीं बदल जाएंगे मैं यहां पर एमएलए सीएम का कोई मतलब ही नहीं है हम यहां पे बनाने आए हैं लोगों को ताकि हम अच्छी व्यवस्था ला सके व्यवस्था परिवर्तन को आज भी हम कमिटेड हैं अब ये बताइए कि जो केजरीवाल के साथ जो शुरुआती दौर से थे जो डिस हो गया आपकी तरह आपको समर्थन उसका मिल रहा है जी अब अन्ना आंदोलन के अपने पुराने साथी आने लगे हैं जैसे अरविंद गिरफ्तार हुए ईडी ने जिस दिन गिरफ्तार किया उन्हें उस दिन हमने ऐलान किया अगले दिन हमने दिल्ली में अपने ऑफिस के बाहर भारतीय लिबरल पार्टी के ऑफिस के बाहर लड्डू बांटे और मैं कटिबद्ध हूँ कि पुराने साथियों को वापस लाया जाए फीलर्स आने लगे हैं और जनता के माध्यम से प्राइमरी कैंडिडेट के माध्यम प्राइमरी इलेक्शंस के माध्यम से हम जनता में कैंडिडेट्स चूज करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आप जैसे देशभक्तों के साथ धोखा किया है ऑल द बेस्ट और मुझे उम्मीद है कि लोग जो है आपके साथ खड़े होंगे पुराने साथी जो केजरीवाल से डिसलुजेंड हो गए जिन्होंने केजरीवाल को समझा था कि वो व्यवस्था परिवर्तन करेगा स्वराज लेकर ले के आएगा और वो चंदे की ट्रांसपेरेंसी वो लेकर के आएगा लेकिन केजरीवाल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया केजरीवाल घोटाला करे कोई दिक्कत नहीं केजरीवाल शराब एक के साथ एक फ्री बेचे कोई दिक्कत नहीं इस तरह के कई सारे नेता आए और गए केजरीवाल का जुर्म है इसने आशाओं का मर्डर किया है इसने देश के लिए सोचने वाले लोगों को पथ भ्रष्ट किया है एक ऐसा शख्स निकला है कि जिसकी वजह से ईमानदार लोगों की ईमानदारी पे लोग शक करने लग गए हैं इसका जुर्म घोटालेबाज का नहीं इसका जुर्म किसी पूरे की पूरी कौम को हत्या करने वाला जेनोसाइड करने वाला इसने आशाओं का जेनोसाइड किया है इतना बड़ा जुर्म है हालांकि इसके लिए हिंदुस्तान के संविधान में कोई सजा नहीं है ये जनता है जो उसे इस जुर्म के लिए सजा देगी आप देखते रहे कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद